हाय दोस्तों, सो आज मैं रिव्यू करूंगा मूवी कूली नंबर वन की, जो वरुण धवन की आ रही है। और ये डेविड धवन जो उसके पिताजी है, वो डायरेक्टर है, उसकी 45th फिल्म है। तो सबसे पहले मैं आपको फिल्म के पॉजिटिव साइड्स दिखाऊंगा और नेगेटिव साइड्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव साइड्स अगर मैं बोलूँ तो फिल्म इट्स वेरी कलरफुल। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है और ड्रामा फिल्म है, और आपको देखने का बड़ा मज़ा आएगा। फिल्म जो मैंने ट्रेलर देखा उसमें से लग रहा है कि फिल्म में कॉमेडी सीन्स आर देयर, और वरुण धवन की एक्टिंग बहुत अच्छी है, और सारा अली खान बहुत अच्छी दिख रही है मूवी में ट्रेलर में। और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे परेश रावल का तो सवाल ही नहीं है, इज़ ग्रेट। एंड उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है वो सबसे बढ़िया है। राजपाल यादव है उस ये मूवी में, कि जो उसके दोस्त का शायद किरदार निभा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और बाकी के जो भी किरदार है वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं बात करूँगा ये मूवी के जो नेगेटिव साइड्स है, तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि एक ही नेगेटिव साइड्स है कि ये ओरिजिनल जो कूली नंबर वन है उसका रीमेक है। अगर क्योंकि ये जब आप ट्रेलर देखते हो तब आपको क्या लगता है, आपको सिक्वेंशियली आपको पता चलता है कि नहीं, ये ट्रेलर में इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। आपको पता है कि जो ओरिजिनल जो कूली नंबर वन था गोविंदा का, उसमें क्या था कि वो ओरिजिनल कूली होता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि वो एक रिच अमीर बाप का बेटा है, और उसके पास बहुत जायदाद है, अमीर है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। तो वो ऐसा दिखाता है, और जो उसकी हीरोइन है उसको इम्प्रेस करता है, उसे शादी करने के लिए ये सब जो करता है, और शादी भी करता है। और उसके बाद उसको पता चल जाता है कि उसके पिताजी और उसके भाई को कि भाई ये तो ऐसा है, और जो एक्चुअल में वो कूली है। फिर जो कॉमेडी जो क्रिएट होती है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे गोविंदा की जो मूवी आई थी। तो जब भी आप ये ट्रेलर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये सिक्वेंशली आपका ट्रेलर में ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो आपको ऑलरेडी ये स्टोरी पता है, आप सिर्फ जो कैरेक्टर्स हैं वो बदल गए हैं, नए ज़माने का ये कूली नंबर वन टाइप ऑफ दिख रहा है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये मूवी का। तो ये जब मूवी जो अगर आपकी जब आएगी तब आपको ये नहीं है कि नहीं ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये टाइप की मूवी नहीं है। ये मूवी है कि ठीक है अभी क्या करें, अभी जैसे संडे है, आपको रिलैक्स होना है, या एनी डे इफ़ यू वांट टू गेट रिलैक्सेशन, और आप ये मूवी चालू कर दी तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी पॉज करके थोड़ा दूसरा काम कर दिया और मूवी बंद करके दूसरा कर दिया तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूस देखो और आपको एक के बाद एक क्या पता चले क्या मूवी में आएगा वो आपको देखना ही है, ऐसा नहीं है। देखो ना देखो, इस दैट काइंड ऑफ मूवी। और आपको मूवी देखने में हंसी भी आएगी, जब अभी आप ये वरुण धवन का मूवी देखोगे आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि वरुण धवन की भी कॉमेडी उसने अच्छी कर ली है ये मूवी में। तो जैसे मैंने बताया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स है, तो इस तरह से क्योंकि ये मूवी है और करीबन ये जैसे 50-50 टाइप ऑफ मूवी है, आप देखो तो भी सही, ना देखो तो भी सही। और अमेज़ॉन प्राइम पे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रहा है, तो आप अगर कभी भी आप पॉज करें, कभी भी आप वो मूवी को बंद कर दें और दूसरे दिन देखें तो भी चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको थिएटर में ही जाना है ये मूवी देखने के लिए। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से ये एडवांटेज है ये जो मूवी आ रही है। तो लेट्स सी मूवी आने के बाद ट्रेलर में जो दिखा है उससे ज़्यादा है या फिर उतना ही है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। जय हिंद।